हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं, कुछ बातें उनके लिए जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियोस महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड होंगे। सेकेंडली, सिर्फ स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार देख सकते हो। क्योंकि अगर टीचर एक्सप्लेनेशन करने के दौरान अगर आपको ना समझ में आए तो अगर आप डाउट्स भी पूछो तो बार बार पूछने पर वो टीचर भी इरिटेट हो जाती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। थर्डली, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि कोई भी डाउट्स हो तो आपका डाउट्स भी क्लियर होंगे अगर आप एंड तक देखो तो वीडियो। और लास्टली, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो के थोड़े नीचे जाइए और राइट हैंड साइड में एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप जैसे स्टूडेंट्स की मैं मदद कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 6 का मैथमेटिक्स और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन सेकेंड वीडियो। पिछले वीडियो में जो मैं फर्स्ट वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ, मैंने उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करा है और साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस सेट 28 प्रैक्टिस सेट भी मैंने सॉल्व करके बताया था और कुछ सम्स थे जो मैं आपको एज खुद से करने के लिए भी कहा था। और अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टुडे विल बी लर्निंग प्रैक्टिस सेट 29। ये भी बेसिकली बहुत ही ईजी सम्स है, मतलब प्राइमरी स्कूल के दिनों का कुछ रिफ्रेशमेंट है, थोड़ा सा बेसिक एडवांस लेवल का समझ लीजिए। तो मैं सिर्फ सबसे कहना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 60 ओपन कीजिए, हम लोग सम बाय सम देखेंगे कैसा है। सो उस हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगा और आप लोग समझ भी जाओगे। देखो, मैं एक बार मैं कहना चाहता हूँ, मैं रबआउट करता हूँ इसे, तो क्या होगा कि आप लोगों को मुझे भी स्पेस मिलेगा सॉल्व करने के लिए और आप लोग भी साइड बाय साइड समझ जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट क्या है 20, इसमें पेज नंबर 60, आई एम टेलिंग अगेन, सॉल्व लिखा गया है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, सॉल्व। सो यहाँ पर कितने सम्स दिए गए, टोटल 9 सम्स दिए गए, मैं सारे सम सॉल्व करूंगा, सो नो नीड टू पैनिक अबाउट इट। देखो, फर्स्ट सम है, क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो, इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹3,600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। इसमें लिखा गया है कि 20, अगर जो लोग बहुत ही स्मार्ट है मैथ्स में तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये सम बेसिकली क्या है। 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना है, ₹3,600। ओके, और इसमें पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ 16 मीटर कितना, 16 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना है, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप मैंने बराबर लिखा है। ओके, इसमें लिखा है कि 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना है, 3600, 16 मीटर हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी देखो, हाँ, हमेशा आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि एक मीटर का कितना होगा, जो भी है सिंगल। जैसे कि अगर तीन एप्पल, मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, तीन एप्पल्स ₹120 का, मान लीजिए इतना महंगा नहीं होता, या फिर सॉरी मैं तो कहना चाहता हूँ चलो ₹90 है, ओके, इतना तो महंगा रहता है। थ्री एप्पल कॉस्ट ₹90, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 एप्पल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक एप्पल का कितना है, भाई हमें तो नहीं पता, तीन एप्पल का तो पता है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप डायरेक्ट आप फाइंड आउट तो कर नहीं पाओगे, तो आप उस सिंगल वैल्यू, जो सिंगल, अभी देखो यहाँ पर एक एप्पल का आप कॉस्ट फाइंड आउट करोगे कैसे, देखो वन एप्पल का कितना होगा, आपको जस्ट डिवाइड करना है, मीन्स दिस एंड दिस, 90 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, ₹30। ओके, ये डिवाइड किया तो कितना होगा, 33 90, तो आंसर क्या है, वन एप्पल कितना है कॉस्ट का है, एक एप्पल का कॉस्ट कितना है, ₹30। ओके, तो 8 एप्पल का कितना होगा, तो आप लोग आराम से, अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये याद आ रहा होगा जो आप प्राइमरी स्कूल के दिनों में किए होंगे, या आप लोग भूल गए होंगे कि वन एप्पल कॉस्ट ₹30, ये जो थ्री एप्पल का है वो इग्नोर करो, वन एप्पल कॉस्ट ₹30
एंड एट एप्पल का कितना है, तो कैसे आसानी से 30 × 8 करोगी, तो आंसर क्या है 240। ओके इस तरह से। अब हम इस सम के बारे में बात करें जो ओरिजिनली इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, उसमें भी सिमिलर वे में करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 मीटर क्लॉथ का फाइंड आउट करोगे। ओके कैसे करोगे, ये बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय 20, 3600 डिवाइडेड बाय 20, इसे कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीरो यहाँ पर एक है, यहाँ पर हिस्से हिस्से के जीरो है, तो आप जस्ट इसे रब आउट कीजिए, तो इतना बच रहा है 360 डिवाइडेड बाय 2, तो 180 होगा आई गेस। मैं एक बार आपको करके बता, 8 × 16। ओके सो द आंसर अगर हम डिवाइड करेंगे इसे तो कितना हो रहा है 180। इसका मतलब 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कितने का है, रुपीज 180। ओके आप लोगों को हमेशा वो सिंगल एक का कितना है, 1 मीटर या एक एप्पल या एक जो भी है, उस सिंगल डिजिट का फाइंड आउट करने कितना है। ओके वो पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू का, सिंगल वस्तु का अमाउंट कितने का है या सिंगल मीटर का कितने का है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। देखो अभी जो ये 20 मीटर ऑफ क्लॉथ है हम इग्नोर करेंगे, ओके क्योंकि हमें अब जरूरत नहीं है इस लाइन की। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग जानबूझ के रब मत कीजिएगा एग्जाम के टाइम पे, तो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। 1 मीटर कितना है, 180 रुपीज, तो 16 मीटर ऑब्वियसली क्या करोगे, 180 मल्टीप्लाई बाई 16, 6 8 48 6 7 8 9 10। ओके आई एम अगेन चेकिंग, 6 0 0 6 8 48 6 1 6 7 8 9 10, एक जीरो डालिए। ओके सो सॉरी जीरो, ओके ऑलराइट, तो आंसर क्या मिला 16 मीटर ऑफ क्लॉथ का 2880। ओके द आंसर इज 2880, मैंने 180 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक हो जाता है, फिर सम आप लोगों का कॉमन सेंस अपने आप जाग जाता है और आप लोग लाइक समझने की कोशिश करते हो, ऑटोमेटिकली सॉल्व भी हो जाता है। ठीक है ये तो था ठीक ठाक सम, बहुत ही इजी मेथड था, समझने वाले तो समझ गए होंगे। अगर आप लोग, अगर बहुत से लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नहीं समझ गए हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को रिवाइंड किया कीजिए, समझने की कोशिश करो, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं, बार बार सुनो, आप लोग समझ डेफिनेटली जाओगे, आप लोग डेफिनेटली समझ जाओगे, इसमें कोई ऐसा डाउट वाली बात नहीं है। सेकेंड सम है, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस, कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस कितने का, 325, क्या लिखा गया, रुपीज 325। अभी हमें फाइंड आउट करना है 8 kg ऑफ राइस, मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस रख के यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे प्रीवियस सम की तरह। ओके सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें पता ही नहीं 8 kg, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ 1 kg फाइंड आउट करेंगे। ओके तो इसे क्या करेंगे, ये जो पहले लाइन में जो नंबर है उन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आई थिंक सो वी विल गेट आंसर समथिंग लाइक दिस, 32 rupees 50 paise, अंडरस्टैंडिंग 32 rupees 50 paise, क्योंकि वो डेसिमल्स अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर एक एक जीरो है या लास्ट में नंबर है, तो जस्ट आप पॉइंट ऐड करोगे यहाँ पर 32.5 rupees, तो मतलब 32 रुपया समझ लो, 32 रुपया 50 पैसे, सरल भाषा में समझा रहा हूँ। अभी 8 kg, अब ये जो फर्स्ट लाइन है आप मिटा दो। ओके देखो अभी इसमें क्या बच रहा है, 32.5 मल्टीप्लाई बाय क्या है 8, 8 5 40, ये पॉइंट को रहने दो, 8 2 16, ये 20 होगा, ये 3 24 25 26, सो कितना हो रहा है आंसर, या एक पॉइंट है तो 260 रुपीज हो रहा है। ओके अंडरस्टैंडिंग, तो आंसर क्या हो रहा है 260 रुपीज, सो द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज 260 रुपीज। आई होप आप लोग ये समझ गए हो, मैं एक बार पॉज कर, आप लोग ही पॉज करके एक बार देख लो, उसके बाद मैं रब आउट करता हूँ। नेक्स्ट सम है जो आपका, आप कह सकते हो थर्ड सम, 14 chairs cost rupees, मतलब इसमें 14 chairs का दिया गया है,
कितना है अमाउंट? ओके 5992। ओके ये दिया गया और हमें फाइंड आउट करना है 12 चेस का कितना है। मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा स्पेस छोड़ के, जस्ट लाइक टू सम्स, दोनों सम में जैसे किया था वैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, एक चीज के बारे में मतलब एक चेयर के बारे में हम फाइंड आउट करेंगे कितना है, ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे। सो मैं डिवाइड करता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके 14 ones are 14, 14 twos are 28, 14 threes are 42, 14 fours are 56। ओके ये मैंने कंसीडर किया है, 14 फाइव देखते, 5 ones are 20, 5 ones are 5, 6, 7। ओके सो ये बड़ा नंबर है तो हम लेंगे 14 fours are 56। ओके सो इसके बाद हम इसे माइनस करेंगे, 14 ones are 14, 14 twos are 28, 14 threes are 42, तो 14 twos are 28 जाएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर हो रहा है 39 से, सो विल टेक एज 14 twos are 28। उसके बाद हम इसे माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है इस तरह से, और इधर 2 डालेंगे, जो 2 है उसे भी नीचे लेंगे, तो 14 8 से लेते 4 8 जा 32 ना, सो 8 8 4 जा 32, 8 1 जा 19 11, या परफेक्ट। तो इधर ये मैंने कैसे किया आप लोगों को बताता हूँ, जैसे मैंने 8 कैसे अंदाज उसे 8 पकड़ा, देखो 8 4 जा 32, लास्ट में यहाँ पर 2 है, तो इस हिसाब से देखो 8 4 जा 32, तो मैंने इसको 14 8 जा लिया, इतना सिंगल नंबर। तो इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई करके मुझे पता चला कि 112 आंसर, तो हमें रिमाइंडर 0 मिला, तो मैं जस्ट इसे रब आउट कर रहा हूँ। सो व्हाट वी गॉट आंसर इज वन चेयर का कितना है 428 रुपीस। ओके सो उसके बाद आप लोग समझ जाओगे कि 12 चेयर्स का आपको ये फर्स्ट लाइन का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट वी हैव टू कंसीडर सेकंड एंड थर्ड लाइन। 428 मल्टीप्लाई बाय 12, 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 5, 4 टू जा 8, ओके 8 वन जा 8, 2 वन जा 2, 4 वन जा 4, 19 11 12 13, ओके 9 10 11 5, एक बार चेकआउट करते हैं, 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 5, 4 टू जा 8, और ये जस्ट एज इट इज नीचे आएगा, एक जीरो डाल के 6 5 8 9 10 11 12 13, ओके 9 10 11, ओके सो आंसर इज 12 चेस का कितना है रुपीज 5136। आई होप आप लोग ये समझ गए, बहुत ही इजी सम है शुरुआत के सम से। उसके बाद फोर्थ सम देखते हैं, जस्ट एक बार पॉज करो आप लोग, उसके बाद मैं रब आउट कर रहा हूँ। पॉज करो वीडियो को अगर आप लोगों को देखना हो तो। तो अब हम करेंगे फोर्थ सम जिसमें लिखा गया है कि द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 केजी। मतलब एक मिनट में जस्ट बराबर लिखते हैं, 30 बॉक्सेस का कितना है वजन 6 केजी है, और हमें फाइंड आउट करना है कि 1080 बॉक्सेस में 1080 बॉक्सेस में कितना है, फाइंड आउट करना है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि वन बॉक्स का फाइंड आउट करना है कितना होगा, तो इजी है, 6 डिवाइडेड बाय 30। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप सभी में कि सर पहले ये वाला नंबर यहाँ पर लिखना है या ये नंबर। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप हर सम में देखो, ये जो नंबर होगा ये यहाँ पर लिखा जाएगा और ये जो नंबर होगा उसके बाद लिखा जाएगा। अब यहाँ पर एक फ्लिपिंग चीज क्या है, यहाँ हर नंबर हर सम में यहाँ पर बड़ा नंबर होता था, यहाँ पर छोटा नंबर, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर छोटा नंबर पहले लिखा गया उसके बाद बड़ा नंबर। अब इसमें आपको क्या करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड, 6 डिवाइडेड बाय 30, 6 अपॉन 30 लेके इसका लोएस्ट करो। जैसे कि यहाँ पर है 6, वन सेकेंड, यहाँ पर आप 3 टू जा 6 ले सकते हो और ये 3 10 जा, ओके यहाँ पर 2 वन जा 2, 5 टू जा 10, तो आंसर क्या मिल रहा है आपको 1 अपॉन 5 के जी। इसको मैं लोएस्ट करते गया, आप लोग प्राइम फैक्टर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ये मैंने एकदम अपने तरीके का बताया है फास्ट वे में, क्योंकि सम करने के वजह से मैं बता रहा हूँ। तो आपको मिला 1 अपॉन 5, मतलब इसे मैंने इस तरह से लिखा, तो आप लोग समझ गए होंगे फिर उसके बाद लोएस्ट कैसे करना है, पिछले वीडियो पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह ही है। तो 1 अपॉन 5 मिला,
अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो 1080 है आपको बस आपको मल्टीप्लाई करना है, ये जो 1 से स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके कैसा होगा ऐसे, जब डिवाइड करो 1080 डिवाइडेड बाय 5 टू जा 10, फिर 5 वन जा 5 ओके, तो यहाँ पर देखो 5 6 7 8 ओके 6 5 जा 30, तो आंसर क्या मिला 216 kg, मतलब 1080 बॉक्सेस का कितना केजी होगा कंटेंट 216, आप लोगों को दिख रहा होगा 216 इज योर आंसर। एक बार पॉज करके देखो ये वीडियो, उसके बाद मैं नेक्स्ट सम करता हूँ। नेक्स्ट सम में देखिए फिफ्थ वाला है, और ये डिस्टेंस स्पीड और टाइम वाला सम है, तो इसमें मैं बेसिकली एक फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ओके, सो इधर क्या लिखा मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये नॉर्मली तब यूज किया जाता है जब आपको सम में ऐसे ऐसे सब शब्द देखने को मिलेंगे, नहीं तो ऐसे बेवजह मत कीजिए हर सम में, तो गलत होगा। ये किसी अगर कार्ट ड्राइविंग के बारे में होगा, ट्रैवलिंग के बारे में होगा, वो रिलेटेड सम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसे कि फिफ्थ सम में देखो, अ कार विद यूनिफॉर्म स्पीड ट्रैवल एट अ डिस्टेंस, अगर पर डिस्टेंस क्या है मैं अकॉर्डिंगली लिख रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स, आवर्स का मतलब क्या होता है टाइम में इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है कि एट अ टाइम एट द सेम टाइम ऑफ स्पीड, अभी दो कंडीशन दो फाइंड आउट करने बोले, दो चीजें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर एंड हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स ओके, वो तो बाद में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि 1 आवर का कितना है ओके। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ लिखकर, कि यहाँ पर लिखा गया है कि 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो कार, 165 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को देख के आए मैं ओके, 3 आवर्स में 165 किलोमीटर, 1 आवर में क्या करोगे ऐसे डिवाइड करोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ ये देखो यहाँ से वही सेम तरीका है, बस ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ओके, बाकी सब तो सेम ही है। देखो अगर आप सब सम की तरह कंपेयर साथ कंपेयर करो तो सिमिलर है, 3 5 15 यहाँ पर होगा 1 1 ओके, 3 5 अगेन 15 ओके, सो वी गॉट आंसर 0 ओके, तो 1 आवर का कितना है 55 किलोमीटर ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 आवर का कितना है 55 किलोमीटर। अब इन लोगों ने पूछा है पहले कंडीशन में कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर, यहाँ पर 330 यहाँ पर देखो मैं किलोमीटर की साइड में, आवर्स क्या है ये, यहाँ पर किलोमीटर। अब इन लोग ने फाइंड आउट करने में 330 किलोमीटर में क्या होगा, तो इसमें क्या है कि हर सम में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें आपको डिवाइड करना है कैसे, तो आपको 330 को 5 के साथ डिवाइड करना है, 55 के साथ सॉरी, आपको 55 के साथ डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे देखो, मैं यहाँ पर जगह तो नहीं है सर, तो मैं यहाँ पर करता हूँ ओके, मैं रब आउट करता हूँ, अभी देखो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, तो 55 2 जा 55 3 जा ओके, सो आई थिंक सो 8 में जा रहा होगा, मैं जस्ट गेस आउट कर रहा हूँ, इफ आई द 40 इफ आई द 40 41 42 43 44 ओ नहीं जा रहा है, सो हम 6 से ट्राई करते हैं, इफ आई द 40 मतलब 3 आवर्स में 165 किलोमीटर, हमने 1 आवर का कितना फाइंड आउट किया, हमें मिला 55 किलोमीटर, 330 किलोमीटर कितने आवर्स में हमें फाइंड आउट करना था, वो हमें फाइंड आउट कर दिया, 6 आवर्स इज आंसर। अब सेकेंड कंडीशन दिया गया है कि हाउ मच फार इट विल टेक टू ट्रेवल 8 आवर्स, अभी यहाँ पर पूछे 8 आवर्स का क्या होगा, सिंपल है, 1 आवर आपके पास यहाँ पर है दिया हुआ, जस्ट आपको हर सम की तरह आपको 55 × 8 से मल्टीप्लाई करनी है, 40 41 42 43 44 ओके, सो 440 अभी मैंने किया था यहाँ पर, सो मैं भूल गया, सो आंसर इज 8 आवर्स का कितना है 440 किलोमीटर। सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, 3 आवर्स का 165 किलोमीटर दिया गया था, 1 आवर मैंने फाइंड आउट किया, अभी आई गॉट आंसर है 55,
फिर मेन क्वेश्चन पूछा गया कि 330 किलोमीटर में कितने आवर्स में कवर अप होगा, तो मेरे को आंसर मिला है 6 आवर्स। फिर 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, मैंने 8 को 55 के साथ मल्टीप्लाई किया बिकॉज 1 आवर का ये दिया गया, तो 440 किलोमीटर इज योर आंसर। सो ऑल दिस इज योर सम। सो एक बार पॉज करके देख लो आप लोग इस वीडियो को, उसके बाद मैं रबआउट करता हूँ। देखिए उसके बाद 6 सम देखो, बहुत ही इजी सम है, मैं बस आपको सॉल्व करके बस बताऊंगा, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। देखो अ ट्रैक्टर यूजेस 12 लीटर ऑफ डीजल प्लाउइंग 3 एकर्स ऑफ लैंड, मतलब आपको 3 एकर्स ऑफ लैंड में कितना लीटर पेट्रोल चाहिए, 12 लीटर, और इसमें कितना फाइंड आउट करने वाला है, 19 एकर्स। ओके आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो। ओके 3 एकर्स कितना, मतलब जो ट्रैक्टर है जो प्लाउइंग करने के लिए फील्ड के लिए यूज करने के लिए 3 एकर्स के लिए कितना पेट्रोल रिक्वायर होता है, 12 लीटर्स। 19 एकर्स का हमें पता नहीं, तो ऑब्वियसली आपको पहले 1 एकर्स का फाइंड आउट करना होगा। जस्ट लाइक ऑल द सम्स, इसको डिवाइड करो 4 मिलेगा, फिर 19 × 4 को मल्टीप्लाई करो, जो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो ये भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सम की तरह ही है, बस आप लोगों को थोड़ा आगे पीछे कराया गया, बट सम इज टोटली सेम। 7th सम देखते हैं, वो भी इजी है। एट द शुगर केन फैक्ट्री यहाँ पर लिखा है 48 टन, जस्ट लाइक 6 सम की तरह है, 48 TONNES टन्स ऑफ शुगर कितना केजी है, 48 टन्स कितना केजी है, 5376, और फाइंड आउट करने बोला कि 50 टन्स का कितना है भाई। ओके फर्स्ट 1 टन का तो फाइंड आउट करो भाई लोग। ओके तो इसको ये बड़े नंबर को और इसको डिवाइड करो, आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, उस आंसर को आपको 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद 8th सम है, वहाँ पे लिख दूँ मैं 6 सम रबआउट कर रहा हूँ, एक बार पॉज करके देख लो चाहिए तो इस वीडियो को, उसके बाद मैं रबआउट कर रहा हूँ, पॉज करो इस वीडियो को एक बार, पॉज इसीलिए करने बोलते हो, जस्ट मेरी खुशी के लिए नहीं, आप लोग पॉज करके एक बार देख लो उस सम को, उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करो, क्योंकि एकदम आप लोग रिवाइंड करने भी जाओ तो वो होता नहीं इसके लिए, फिर भी करो आप लोग ट्राई करो, समझने की कोशिश करो, मेरी तरह से पूरा ही है। देखो 8th सम है स्टूडेंट्स, 8th सम देखो, इन अ ऑर्चर्ड देयर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 रोज, आप रोज के बाद 8 रोज का कितना है, 8 रोज तो कितना दिया है, 8 रोज में जो मैंगो ट्रीज है कितने हैं, 128 मैंगो ट्रीज, और फाइंड आउट कितने कितना बोले, 13 रोज में कितना होगा, कितना 13 रोज में कितना होगा, तो ये भी काफ़ी इजी है। इसमें भी आपको फॉर 1 रो का फाइंड आउट करना होगा, जो आपको इसे और इसे डिवाइड करना है, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, इसी आंसर को इधर मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सम की तरह ही है, बीच में वो स्पीड डिस्टेंस का थोड़ा ये कंफ्यूजन डाला आप लोगों के सर में और फिर वो सम को एकदम ये कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ठीक नीचे एक थंब का बटन है उस पर लाइक कीजिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो दोस्तों को, मेरा चैनल को ज़रा प्रमोट कीजिए, आप लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आप लोग लिंक शेयर करते रहिए दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए या वीडियो देखने के लिए। ओके वीडियो देखने के लिए उन लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा, और अब तक आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़े से नीचे जाइए इस वीडियो के रेड बटन पे क्लिक कीजिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, 6 to 10 तक सारे वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, जो भी मैथ्स रिलेटेड है मोस्ट ऑफ मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।